देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब को। मेरी जो बंगाली एक लाइफ अनकट का जो बंगाली चैनल था वो ना एकदम गॉन हो चुकी है, बिकॉज आई जस्ट फॉरगॉट माय ईमेल पासवर्ड। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज तो ब्लॉग करना बनता ही है, बिकॉज रीजन मैं शेयर करती हूँ। सो मैं जो लाइफ अनकट का जो बंगाली ब्लॉगिंग चैनल था वो एकदम गॉन हो चुकी है। सो मैंने सोचा कि ब्लॉग तो मुझे करना ही पड़ेगा, सो मैं इस चैनल पे पोस्ट करूँगी ये वाला ब्लॉग। एंड द मोस्ट बिग रीज़न फॉर दिस ब्लॉग इज मेरी जो बेटा है उसका 1 साल कंप्लीट होने वाला है, हो गई है कल, एंड उसकी आज पार्टी सेलिब्रेशन है बहुत बड़ी। सो आई थॉट कि चलो ये वाला एक सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर तो करना बनता ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग कर लेते हैं। सो इसलिए मैंने इस चैनल पर मैं ये वाला ब्लॉग डालने वाली हूँ, बिकॉज मैंने पहले सोचा कि मैं बंगाली में ब्लॉग करूँगी, बट दिस चैनल इज़ माई थ्रू आउट द ब्यूटी चैनल, सो इसीलिए मैंने सोचा कि हिंदी में ब्लॉग कर लेते हैं। तो मेरे जो दीदी के बेटे हैं उसकी कल हो चुकी है, 1 साल कंप्लीट हो चुकी है, एंड उसकी जो पार्टी है आज थ्रो होने वाली है। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, एंड दिस इज हिज फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, सो या एक्साइटेड तो बनती है। सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, एंड बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होने वाली है, बहुत कुछ होने वाली है। सो मैंने सोचा कि चलो ये सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, एंड गाना बनता भी है। तो चलो आज ब्लॉग एकदम मिस मत करना, फर्स्ट टू लास्ट एकदम एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाली है। फ्रेंड्स फैमिलीज को लेकर गेट टुगेदर, एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, सो प्लीज़ डोंट मिस दिस व्लॉग। अभी कुकिंग की जगह पर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या रसोई पर हो रही है, मतलब खाने की क्या क्या चीज़ अभी बना रही है। तो चलो अभी हम वहाँ पर थोड़ा सा घूम के आते हैं, एंड देखते हैं प्रिपरेशन कैसा चल रही है। तो मैं यहाँ पर आते ही देख पा रही हूँ कि बहुत सारे फिशेस है, सब्जियाँ है, दाल चावल ये सब कुछ है, श्रिम्प है, मतलब चिंगड़ी जो हम लोग बंगाली में कहते हैं, एंड आलू भाजा जो हम आप लोग कहते हो कि फ्राइड पोटैटोस, वो सब कुछ है। दोपहर के खाने की प्रिपरेशन चल रही है, ऑलमोस्ट बहुत कुछ हो चुकी है। हम लोग बेसिकली जो बात की जो फोटोशूट होने वाली है, सो उसके लिए अभी हम ये लोग ये बैकग्राउंड को अभी अच्छी तरीके से सजाएंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर फोटोशूट होने वाली है। तो बहुत ही लेट हो चुकी है, एंड अभी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करना बाकी है।
बात फ़ोटोशूट के लिए थोड़ा बहुत हमने मैनेज कर लिया है, बहुत ज़्यादा प्रॉप्स हमारे पास था नहीं, इसीलिए जितना हो सके मैंने कर दिया है, इतने में आई थिंक हो जाएगी, कैमरामैन मैनेज कर लेगी। सो या इतना था, अभी फ़ोटोशूट होने वाली, कैमरामैन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। तो चलो अभी फ़ोटोशूट के लिए हामी को ले आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना बात फोटोशूट शुरू हो गई थी एंड वो इतनी ज़्यादा खुश थी ये वाला बात फ़ोटोशूट करने के समय, एंड मैं साइड से बबल्स कुछ ऐड कर रही थी ताकि फ़ोटोशूट थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए, बिकॉज मैंने ना बहुत सारे प्रॉप्स मैंने अरेंज नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हुआ। सो जितना हो सके मैंने किया है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एंड वो पानी में इतनी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और फ़ोटोशूट के लिए इतनी ज़्यादा मज़े में थी, एकदम अपनी मासी की तरह। सो या वो बहुत ज़्यादा मज़ा कर रही थी जब फ़ोटोशूट हो रही थी, एंड आई स्वेयर मैं इस तरह के बेबीज़ ना बहुत कम देखा है इसकी तरह। लोगों ने ना उसके बर्थ फ़ोटोशूट के बाद थोड़ा सा टॉयज़ के साथ भी उसकी कुछ फ़ोटो खींच लिया है बिकॉज ऑफ हिज बर्थडे, एंड यहाँ पर उसके खाना आ गई है, इसमें है पुलाव, वाइट राइस एंड बहुत 3-4 तरीके की फ़िश है, सब्जियाँ है, पायश है, स्वीट्स है, लेस एंड चॉकलेट्स, एंड यहाँ पर अभी उसकी जो माँ है वो अभी उसे आशीर्वाद करने वाली है, जो बंगाली में एक रिचुअल्स होती है जन्मदिन पर, एंड यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटोशूट्स हो रही है, और वो अभी बहुत ज़्यादा उसे भूख लग गई थी, नींद भी आ गई थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। टेक माई शावर एंड अभी जा रही हूँ मैं खाने के लिए, एंड 4:30 बज चुकी है, अभी मैं दोपहर की खाने लंच करने जा रही हूँ। सो अभी मेरी बहन भी आएगी, उसके साथ ही मैं जाऊँगी, तो आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड एंड इसके बाद मुझे रेडी भी होना है, तो चलो जाके देखते हैं कि दोपहर की लंच में क्या क्या है एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। दोपहर के खाने में थी प्लेन राइस, दाल, उसके साथ फ्राइड पोटैटो, मतलब आलू भाजा जो बंगाली में कहते हैं, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट, दाल के साथ, एंड उसके साथ थी कुछ सब्जियाँ एंड
उसके साथ थी फिश, सिंपल खाना था दोपहर को। एंड मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि सारे दिन मैंने काम किया है उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, खा रही थी साढ़े चार बज गई थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। सारे दिन इतने मैंने काम किया है या मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। तमाशा, मेरे एक फ्रेंड है तमाशा, तमाशा हाँ आते ही मुझे
आगे इतनी ज्यादा खाना खा रही है, देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स आके लेकर आ गई है, आते ही आइसक्रीम, फिर पकौड़ा, फिर फुचका, हम लोग बंगाली है इसलिए हमारी बांग हिंदी पानी पीकर आई हूँ। आइसक्रीम की बॉयफ्रेंड तो नहीं होगी खाने पर बैठ गई है। मेरे फ्रेंड्स जो है वो लोग भी खाने पर बैठ गई है, लगभग 10:30 बजने वाली है एंड अभी सब लोग खाने पर बैठ गई है। मैं एक बार आप लोगों के साथ मेनू शेयर करती हूँ। पनीर पसंदा, सलाद सॉस, नान पूरी, चाना मटका, चिकन बिरयानी एंड वाइट राइस, ये सब कुछ है खाने में। एंड चलो अभी सब लोग खा रही है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ सब कुछ। एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स है बहुत ही ज़्यादा मजा किया है, इसलिए तो चलो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। लाइफ अनकट चले गए ना, लाइफ अनकट तो नहीं, ও হ্যাঁ বললি তাই জন্য তাহলে এটা আমার হিন্দি চ্যানেল না, আরে আমার মেকআপ কি পাগল আরে জিগে আছে বাংলা বেঙ্গলি লুক কোথায়, খানে কে সময় বেইজ্জতি নেই করতে বলো। हम लोग अभी खाने कश्मीरी एप्पल देखना चाहते हो, ये है फेक कश्मीरी एप्पल। हम लोग खाने पर बैठी है, अभी 11:30 बजने वाली है एंड अभी मैं अपनी ज्वेलरी को उतार के सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहन के खाने पर बैठ गई हूँ। अभी 11 बजने वाली है अभी लगभग एंड अभी बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हूँ एंड मैं मुझे पता नहीं मैं ब्लॉग में क्या कह रही हूँ और मुझे क्या कहना चाहिए, अभी मेरे दिमाग पर कुछ काम नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। 11:30 बज चुके, ऑलमोस्ट सारे लगभग लोग जा चुके हैं एंड अभी ये लास्ट वाले बैच है जहाँ पर मैं खाने के लिए बैठी हूँ। तो चलो अभी खाना खा लेते हैं एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, खाऊंगी वो भी शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। एंड अभी मेरे साथ मेरी बहन और मेरे भाई बैठे हैं। ओके ये मेरा बाउंसर है, बाउंसर बोलो, हाय बोलो, मेरा बाउंसर है ये, और ये मेरे बॉडीगार्ड, लेडी बॉडीगार्ड। और ये एक बहन है, हंसे हाय। सो गाइस कल बहुत रात तक बहुत सारे काम एंड जितने भी सारे काम थे वो निपटाने के बाद मैं ना व्लॉग को एंड करने में भूल गई थी, तो आज सोचा कि मैं चलो आज व्लॉग को एंड कर देती हूँ एंड एडिटिंग भी बाकी है, पोस्ट भी करनी है। सो आई थिंक कि आप लोगों को बर्थडे ब्लॉग अच्छी लगी है एंड सब लोग जाके कमेंट सेक्शन में हमें को विश करना मत भूलना एंड ब्लॉग कैसी लगी मुझे बिल्कुल कमेंट करके बोलना मत भूलना। सो चलो दिखाइयोगे फिर से एक नई ब्लॉग में, स्टिल एंड टेक केयर, लव यू, बाय।